नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनोज। आप देख रहे हैं मनोज ज्ञान चैनल। और एक बार फिर मनोज ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में जानेंगे कि कुछ फ्रेंड्स को इस टाइप की प्रॉब्लम आ रही है कि जैसे ही वो पीएफ को विड्रॉल करना चाहते हैं, पीएफ को एडवांस रूप में निकालना चाहते हैं, तो जैसे ही वो ऑनलाइन क्लेम पर क्लिक करते हैं तो उनके टाइम में इस टाइप का पॉपअप लिख के आ जाता है कि इनवैलिड बैंक अकाउंट नंबर, काइंडली अपडेट योर अकाउंट डिटेल्स थ्रू एम्प्लॉयर सेल्फ मोड या एम्प्लॉयर मोड। तो ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है, उन फ्रेंड्स का ये भी कहना है कि इससे पहले वो इस पीएफ को विड्रॉल कर चुके हैं, एडवांस पीएफ निकाल चुके हैं, कई बार ये विड्रॉल कर चुके हैं, मगर अब तक उनको ऐसी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना हुआ। बट जैसे ही अभी इन्होंने एडवांस क्लेम के लिए अगेन अप्लाई करने की कोशिश की तो उनके सामने इस टाइप का प्रॉब्लम आ रही है। तो आज की वीडियो में इसी टॉपिक पर आज बात करेंगे कि ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है और इसका सोल्यूशन क्या होगा। और साथ ही साथ जिन फ्रेंड्स को ये प्रॉब्लम आ रही है उनके लिए तो सोल्यूशन के लिए ये बेस्ट वीडियो है ही, क्योंकि आपसे इसका सोल्यूशन मिलेगा। और साथ ही साथ उन फ्रेंड्स के लिए भी ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है जिनके लिए अभी तक उनके अकाउंट में इस टाइप की प्रॉब्लम नहीं आ रही है। तो क्या मिस्टेक है जिसकी वजह से ये आपका प्रॉब्लम आ रही है, उनको जानना बहुत ज़रूरी है कि इन केस उनके फ्यूचर में ऐसी प्रॉब्लम आती है तो वो क्या करेंगे जिससे उनके अकाउंट में ऐसी प्रॉब्लम ना आए। ये वीडियो दोनों फ्रेंड्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जिनके अकाउंट में ये प्रॉब्लम आ रही है, उनको सोल्यूशन मिलेगा। जिन फ्रेंड्स को अभी तक उनका अकाउंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो इसका सोल्यूशन पहले से जानते होंगे, तो इसका प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर देंगे। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो इसी टॉपिक पर स्टार्ट कर लेते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट और रहेगी कि फ्रेंड्स, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं वीडियो को प्लीज़, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। आपका एक सब्सक्राइब मुझे आगे मोटिवेट करेगा आगे भी वीडियो बनाने के लिए, जिससे आपको महत्वपूर्ण वीडियो आगे भी मिलती रहे। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो फिर स्टार्ट कर लेते हैं और चलते हैं फिर मोबाइल स्क्रीन पर। तो फ्रेंड्स, जिस अकाउंट में ये प्रॉब्लम आ रही है उस अकाउंट को मैंने लॉगिन कर लिया है। तो साथ ही साथ आपको ये बताएंगे ये प्रॉब्लम आपको किस ऑप्शन में देखने को मिलेगी और आपके साथ लाइव प्रूफ भी दिखाएंगे कि आपको ये प्रॉब्लम किस वजह से आ रही है और क्या इसका प्रॉब्लम है जिसके कारण आपका अकाउंट को ये प्रॉब्लम देखी जा रही है। ऑप्शन में ये प्रॉब्लम देखने को आ रही है वो ऑप्शन है ऑनलाइन सर्विसेज। जैसे आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको जैसे आप क्लेम करेंगे, फर्स्ट ऑप्शन क्लेम फॉर वाला ऑप्शन, तो सामने एक टैब का आपका पॉपअप लिख के आ जाता है कि इनवैलिड बैंक अकाउंट नंबर, काइंडली अपडेट योर बैंक अकाउंट डिटेल्स थ्रू सेल्फ मोड और एम्प्लॉयर। सो ये प्रॉब्लम आ रही है देखने के लिए कुछ फ्रेंड्स के अकाउंट्स में। तो आप सब जो फ्रेंड्स हैं वो चेक कर सकते हैं अपने अकाउंट को कि आपके अकाउंट में इस टाइप की प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। अब फ्रेंड्स, बात आती है कि अगर ये प्रॉब्लम आ रही है आपके अकाउंट में तो आपको सोल्यूशन क्या करना होगा। तो सोल्यूशन बताने से पहले आपको थोड़ा एक और प्रूफ दिखा देता हूँ कि आपको क्या प्रॉब्लम हो सकती है। आप खुद इसका आंसर समझ जाएंगे कि आपकी क्या प्रॉब्लम है। आपको यहाँ क्या करना होगा, बी ऑप्शन, तो बी ऑप्शन पर क्लिक करके आपका फर्स्ट ऑप्शन होगा प्रोफाइल, आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे फ्रेंड्स आप इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ देखना है आपका नाम की स्पेलिंग, जो आपके नाम की स्पेलिंग है वो, और जो आपके बैंक अकाउंट की पासबुक है उसमें जो नाम की स्पेलिंग है वो, आप दोनों चीज़ मैच करेंगे। अगर यहाँ पे कुछ भी मिसमैच होगा तो ये प्रॉब्लम आ सकती है। अब इनके साथ आप लाइव प्रूफ देखेंगे कि आपके सामने जो बैंक की पासबुक है इसमें जो नाम है इनका मिस्टर संतोष सिद्धप्पा गवाली करके नाम दिया हुआ है। तो आपको जो ध्यान रखना है, जो आपने बैंक की पासबुक लगाई है उसकी बैंक की पासबुक में आपका नाम या आपके फादर का नाम की स्पेलिंग बिल्कुल एज इट इज़ मैच होनी चाहिए। फ्रेंड्स, अब ये बात आती है कि पहले आपका पीएफ क्यों विड्रॉल हो जाता था। पहले फ्रेंड्स आपने देखा होगा जैसे हम पीएफ को विड्रॉल करते थे, पीएफ को एडवांस के रूप में, तो आपका क्लेम कभी कभी रिजेक्ट कर देते थे वो लोग। क्यों, बाद में बताते थे कि आपका नाम डिफर है या आपका फादर नेम डिफर है। बट अब ये प्रोसेस इन्होंने पहले ही कर दिया है। अगर आपकी बैंक की डिटेल में कुछ भी मिसमैच होगा तो आपको यहीं एक नोटिफिकेशन देंगे कि इनवैलिड बैंक अकाउंट नंबर, क्या आपको जो बैंक अकाउंट नंबर है उसमें मिसमैच हो सकता है या आपकी जो डिटेल्स हैं उसमें कुछ ना कुछ मिसमैच हो सकता है। इसके दो कारण हैं। पहला कारण ये है कि आपको जो बैंक अकाउंट नंबर लगाया है उसको बैंक अकाउंट नंबर के 10 डिजिट से ऊपर के बैंक अकाउंट नंबर होने चाहिए, मगर जो क्लाइंट हैं इनका, जो आप देख सकते हैं इनके 12 डिजिट का बैंक अकाउंट है, तो ये तो इनकी प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि इसके साथ एक ये प्रॉब्लम भी थी, जिनके बैंक अकाउंट 10 नंबर से नीचे होंगे, 10 नंबर तक होंगे, ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। जैसे एक इंडियन बैंक है, उनका बैंक अकाउंट नंबर के 10 डिजिट के ही है, जिनके 10 डिजिट के बैंक अकाउंट नंबर होंगे उनके लिए प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। और साथ ही साथ दूसरी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि आपकी बैंक डिटेल्स में कुछ ना कुछ डिटेल मिसमैच है, आपका नाम या आपके फादर का नाम। तो आपको क्या करना होगा इसके सोल्यूशन के लिए, पहली बात तो आप अपना बैंक नंबर चेक करेंगे कि आपके 10 डिजिट से ऊपर का है। पहली कंडीशन ये है सोल्यूशन की। दूसरी कंडीशन ये है सोल्यूशन की आपके लिए कि आपकी जो पीएफ अकाउंट में आपका नाम और आपके फादर का नाम में कुछ भी मिसमैच है तो आपको उसको एज इट इज़ होना चाहिए। पीएफ में इनका नाम देख सकते हैं, इनका मिस्टर सिद्धप्पा
गवाली करके है और इनकी जो बैंक की पासबुक है उसमें मिस्टर संतोष सिद्धप्पा गवाली है, मतलब एक्स्ट्रा वर्ड मिस्टर लगा हुआ है। फ्रेंड्स होता क्या है, जैसे आप अपने अप्लाई करेंगे सिस्टम ऑटोमेटिक आपका आपकी डिटेल्स को मैच करेगा, आपको उनको एक भी स्पेलिंग एक्स्ट्रा मिलेगी या कम मिलेगी तो आपको ये इस टाइप की प्रॉब्लम होने को दिखाएगा। तो फ्रेंड्स आपको ये करना है, अगर आपके बैंक डिटेल में कुछ भी मिसमैच है, जैसे इनकी डिटेल्स में मिस्टर एक्स्ट्रा लगा हुआ है बैंक की पासबुक में, तो इनको ये करना है, पहली बात तो ये बैंक में जाके अपना मिस्टर को रिमूव कराएं। मिस्टर को रिमूव कराने के बाद जैसे आपका पीएफ में डिटेल्स है वैसी बैंक में डिटेल होनी चाहिए, आपकी ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। अगर आप ये प्रॉब्लम नहीं कर सकते तो आपको क्या करना होगा, दूसरी कोई भी बैंक अकाउंट की डिटेल्स के लिए केवाईसी कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं प्रूफ के लिए यहाँ मैनेज पर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और केवाईसी करेंगे, तो फ्रेंड्स यहाँ देख सकते हैं लाइफ प्रूफ के साथ में कि जो कैंडिडेट्स हैं इनके भी ये डिटेल लगी हुई थी, तो इनकी ये बैंक पहले से ऑलरेडी वेरीफाइड है, अप्रूव्ड है, मगर जब इनके में ये प्रॉब्लम आ रही है तो इन्होंने क्या किया, दोबारा ऐसे बैंक अकाउंट की केवाईसी को अप्रूव किया, इसमें इनका पीएफ में नाम और इनकी बैंक में नाम बिल्कुल एज इट इज है। तो इनके लिए क्या किया, इन्होंने अगेन एसबीआई ही बैंक के लिए इन्होंने केवाईसी के लिए एप्लीकेशन डाल दी है, अभी ये पेंडिंग है और जैसे ही अप्रूव हो जाएगी इनकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो ये तो एक सोल्यूशन, आई होप दोस्तों आप समझ चुके होंगे इसके क्या सोल्यूशन है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट्स हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, या मुझे पर्सनली आप बात करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम आईडी पर मुझे फॉलो करके मुझके भी डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। दोस्तों आपको अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। फिर मिलते हैं आगे नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर और बाय बाय।